बेड़ों में सौंसे खेखेल आदिवासी परदाना खोड़ा के बैनर तले आर्मी फौजी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज, हर पल नजर। बेड़ो महादानी मैदान स्थित सरना भवन धुमकुड़िया में आज सौंसे खेखेल आदिवासी परदाना खोड़ा के तत्वाधान में आदिवासी समाज के आर्मी फौजी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रखी गई। बैठक में आदिवासियों के महापर्व सरहुल को सरकारी दिशा निर्देशानुसार शांतिपूर्वक मनाए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावे आदिवासी समाज के युवक युवतियां जो विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, उनका सामाजिक मिलन भी किया गया। बैठक में उपस्थित सभी कर्मचारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समाज के सामूहिक विकास पर जोर दिया। वहीं विशेष रूप से सौंसे खेखेल आदिवासी खोड़ा का समाज के प्रति प्रशंसनीय कार्यों को देखते हुए सभी लोगों ने सामाजिक आर्थिक सहयोग की बातें कही। मौके पर मुख्य रूप से अनिल लकड़ा, अजय लकड़ा, प्रकाश भगत, पंचम खलखो, चुमानी उराव, राम उराव, प्रदीप उराव, सुक्का खलखो और खोड़ा से पंकज उराव उपस्थित थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रोई की रिपोर्ट। मेरा नाम पंकज उराव। आज यहाँ पर जो ये बैठक रखी गई थी आप लोगों की, तो किस संस्था के माध्यम से रखी गई थी और क्या इसका उद्देश्य क्या था? ये संस्था का सौंसे खेखेल राज्य आदिवासी परदाना खोड़ा संस्था का बैठक रखी गई थी, जिसमें से हमारे बाहर जॉब करने वाले भाई लोग हैं, वो लोग इस संस्था को संस्था का कार्य करना देख करके इस संस्था के लिए कुछ अपना अंशदान करने के लिए बैठा गया था। समाज को आगे बढ़ाना है, उद्देश्य यही था क्या? हाँ, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ही, कि हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इसमें से ये सौंसे खेखेल राज्य आदिवासी परदाना खोड़ा बहुत अच्छा काम कर रही है, और उस काम को देखते हुए ही हमारे इस सरना सभा बेड़ो की चुमानी उराव के अध्यक्षता में सौंसे खेखेल राज्य आदिवासी परदाना खोड़ा को और हमारे जितने भी जॉब करने वाले भाई लोग थे, उसको सूचना दी, और सूचना के माध्यम से ये बैठक रखा गया।